क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके भारत सरकार के राष्ट्रपति से जवाहरलाल विश्वविद्यालय में जो छात्रों का आंदोलन 25 दिन से था उसे हस्तक्षेप करने की मांग करने के लिए बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर जो फीस अचानक हॉस्टल की और खाने की बढ़ा दी गई है और वहाँ के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे न सरकार और न तो ग्रांट कमीशन और कोई बात नहीं करना चाहता, केवल क्रश करके रोक देना चाहता और हम उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए बैठे और इसलिए भी बैठे हैं कि 10 वर्ष पिछली बार पूरे JNU को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा जगत को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए सरकार निरंतर फीस बढ़ा देती है और आंदोलन को कुचलती और कहती है कि छात्र लोग केवल आंदोलन करते हैं। उनके मांगों पर विचार करने के बजाय केवल छात्रों के आंदोलन को ही दिखाया जाता है। उनकी मांग आखिर क्या है? वो किसी को प्रधानमंत्री से हटाना नहीं चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं, अगर पग लिख रहे हैं, आर्थिक आधार पर देश को समझाना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं तो वो कोई गुनहगार नहीं, वो उनको तरीके से और देशद्रोही बना करके फिर जेल में भेजा जाए। ये सब करने के बजाय जो दहशत क्रिएट की है सरकार ने, उस दहशत के खिलाफ आज हम धरना पर बैठे हैं और कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें और JNU की तरह पूरे हिंदुस्तान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए और शिक्षा में शिक्षा माफिया और शिक्षा का औद्योगिकरण, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इसको तुरंत सरकार बंद करे। इन सब मांगों के लिए बैठे हैं और आज हम केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हम इसके लिए रणनीति बनाएंगे। आंदोलन जब तक वहाँ तक समाप्त नहीं होता, सरकार मांगे नहीं मान लेती है, हमारा कर्मचारी संगठन और अपने साथ विद्यार्थी संगठन, हम इसको लामबंद करेंगे, उनके आंदोलन को पूरी तरीके से टूटने नहीं देंगे। इन सवालों को लेकर बैठ के आज हम लोग यहाँ पर गांधी की प्रतिमा पर चर्चा करने के लिए आए और ये कहना चाहते हैं कि और लोगों को जोड़ करके हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 26-27 तारीख को फिर हम लोग एक रैली निकालने वाले हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर के मोटा मोटा हम आज बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम सागर है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एकता कमल महामंत्री इलाहाबाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।